हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बोलो देख रहे होंगे मेरे एक्टिवा से मैं सीधा आरएस पे कैसे आया। बोल गए क्या है? बोले तो भाई वनडे में बैट करना है, तो इसके लिए मैं आरएस पे जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ बोले तो मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ, कर्नाटका बीदर से और थोड़ा आगे से आगे जा रहा हूँ, मतलब एक बॉर्डर पे है देश हमको। इसलिए मैं आज ये अपने सिराज भाई की लेके आया गाड़ी, मंडे में बैक आना है बोलकर। हाँ, तो इसीलिए मैं घर से निकल के बहुत देर हो गया, बट क्या है बोले तो रोड कुछ भी नहीं दिख रही बोल के कैमरा चालू नहीं करा था, बट कैसे भी ब्लॉग तो चालू करना है। अंधेरे में थोड़ा सा तभी बोल के भी निकला, तो अभी अपन आगे। आज का अपना पहला ब्रेक पैदापुर पे रुका भाई मैं। आखिरी ठंडी है, हाथापुरे से सिकुड़ गए मेरे। ठंडी तो बहुत ज़्यादा है भाई, टू मच ठंडी है यहाँ पे। उसके लिए रुका मैं, वरना मैं नॉनस्टॉप जाने वाला था, पर ठंडी बहुत है, थोड़ा चाय पी लेंगे बोल के इसके लिए रुका। चाय आ गई गरम गरम। अरे अरे गिर जाएंगे। ये हमारे सिराज भाई की गाड़ी, ठंडी ऐसा है भाई, ऐसा अभी भी हाथा कापरे मालूम, ऐसा कप पकड़े तो भी ऐसा हाथा कापरे मेरे को, उतनी ठंडी है यहाँ पे। ठंड काला चालू हो गया भाई, ठंडी इतनी है जैकेट के अंदर थर्मल लाइनर है, रेन लाइनर है, फिर जैकेट दोनों लाइनर अंदर है, फिर ऊपर से मैं अच्छी टी शर्ट पहना भाई, मोटी टी शर्ट है वो पहने तो भी मेरे को ठंडी लग रही थी। 70 की स्पीड भी नहीं जा रहा सक रहा था मैं, ठंडी लग रही थी। सो अपन अब चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। देखे भाई ठंडी कितनी है, पूरा धुआं निकल रहा। देखे अपन अभी चाय पी लिए, अभी अपन निकलेंगे यहाँ से। ये पैदापुर का फेमस टी पॉइंट है, जैसा कि मालूम आप सब लोगों को, फेमस टी पॉइंट बहुत फेमस है। चलो अपना टी ब्रेक हो गया पैदापुर पे, फर्स्ट ब्रेक था, नहीं रुकने वाला था भाई, सीधा चलेंगे, सीधा बीदर पे रुकाएंगे बोल के पूछने वाला था सीधा, बट ठंडी इतनी है पूछो न को। हेलमेट पहने तो नहीं गिरता सर पे से, हेलमेट यहाँ लगाएंगे अपन, रनिंग में गिरता है कंपलसरी। हेलमेट गिर गया था क्या? ओ क्लिप लगा लो भैया, वो क्लिप नहीं लगाए तो रनिंग में गिरता ही ना हेलमेट आपका, क्लिप लगा लो। वो क्या हवा है ना, हवा ऐसा थोड़ा होते कि क्लिप ये हो जाता आपको। वो देख के हल्लू जो वही 200 का हेलमेट है, 100-200 का हेलमेट है और रोड पे का रनिंग में निकल के गिर गया। अच्छा हुआ मैं थोड़ा गैप में था बोल के मैं रुका लिया भाई, अगर मैं थोड़ा आगे रहता तो मेरे गाड़ी के नीचे आ जाता था, अगर कोई दूसरी गाड़ी वाला रहता तो आ जाता था, कुछ हादसा हो जाता था। अब 200-400 रुपये का हेलमेट खरीदेंगे अपन, यही छोटा उन्हों तो चलो ठीक है, उसके सर पे से उड़ के चलेगा, पीछे अपन थे, अपन चले आते 32 के भाव में उन लोगों के चक्कर में।
अच्छे वाले हेलमेट खरीदो भाई, 100-200 रुपए के रोड पे के खरीद के चीप हेलमेट ना को पहनो। हेलमेट अपनी सेफ्टी के वास्ते, सो प्लीज़ वेयर द हेलमेट, हेलमेट पहनो, हेलमेट वेस्कोंडी प्लीज़। बट फिर भी थोड़े लोग नहीं सुनते, अब उन्होंने ऐसा हुआ फिर भी मेरे बाजू से निकाला उन्होंने के, अब बिगड़ा भी नहीं उन्होंने, 70-80 मार लेते हुए, पहले तो मेरे बाजू से गया उन्होंने 70-80 मार लेते हैं, मैं स्लो जा रहा था जब गया उन्होंने, अब ऐसा हुआ फिर भी वैसा हेलमेट गिरा, फिर भी उन्होंने वैसे जा रहा, क्या बोलते हैं ये फर्स्ट टोल है, ये ऐसा गए तो वहाँ पे पैसे देना पड़ता, अपन फ्री में निकल जाते हैं यहाँ से, कहे क्यों बोले तो अपना 2-व्हीलर 4-व्हीलर रहे तो वैसा लाइन रहती। अरे 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 ये क्या है, अरे अरे zigzag गाली ना, अम्मा 4-व्हीलर पे नहीं आना भाई, पैसे लेते हो लोग, 2-व्हीलर पे आए तो बिना पैसे के फ्री में चले जा सकते अपन, सो 2-व्हीलर पे आ जाना, पैसे बचाना है। बंदे का नया हेलमेट है, वो बंदा अभी अपन जहाँ पे ब्रेक लिए थे वहाँ मिला था, हेलमेट है यहाँ पे सामने, बट पहनने का नहीं भाई, पहनने का नहीं, अपन हेलमेट यहाँ पे रहेंगे भाई, हेलमेट अगर पहनेंगे तो हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा ना भाई अपना, सो बंदे का हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा बोल के बंदे ने हेलमेट इधर लगाया भाई, समझे क्या भाई, हेयर स्टाइल इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ से ज़्यादा, सो प्लीज़ हेयर स्टाइल मेंटेन करो, हेलमेट सबको पहनो, अगर गिरेंगे सर और फूटेंगे सो देखने को आता, लेकिन अपन हेलमेट नहीं पहनते। अरे क्या सुधरा रहे भाई, नो ఎందుకు ఉంచుతున్నావు నువ్వు, నాకు అర్థం కావట్లేదు, కాదు ఉంచో సైడ్లో ఆపినప్పుడు ఉంచు, వెనుకలకి వెళ్ళి బండిలో వస్తున్నావు ఇది వేస్తున్నావు ఉంచుకుంటా పోతున్నావు నువ్వు, మూడు సార్లు ఉంచినావు కావాలంటే రికార్డింగ్ చూపిస్తాను నీకు, ఉన్నది రికార్డు మొత్తం ఉంది, खाली थूक रहा भाई, हवा चल रही, हवा से छींटे उड़ के पूरा ऊपर आ रहे, क्या बोलेंगे लोगों को आजकल नहीं सुनते। और यहाँ पे वो गाड़ी को यहाँ पे मॉम इज वेटिंग एट होम बोल के लिखा है उन्होंने, बट मार रहा, मतलब उसका मतलब क्या होगा भाई, मॉम इज वेटिंग एट होम, मॉम इज वेटिंग एट होम है, बट क्या बोले तो उसका ये नहीं है भाई, उसका मतलब वो लिखा के वेस्ट है अपन, वो जब अपन यहाँ पे लिखवा रहे, जब अपन पूरा अपन सही है, अपन क्या बोलते हैं भाई, सही अगर सही तरीके से अपन ये कर रहे तो इच कराना है तो नहीं करना अपन, लाइक सी हेलमेट नहीं पहना उन्हों, मॉम इज वेटिंग एट होम बोले तो पहनना ना भाई हेलमेट, अपने कुछ हो गया तो मॉम जब वेट नहीं कर रहे, शौक हो गया भाई वो लिखाना, खाली यहाँ पे एक खाली फैशन हो गया, मतलब चलो लिखा लिए, रेडियम की दुकान पे गए दलाल ये ख़त्म, मॉम घर पे अपने वेट कर रहे, ऐसा हाफ है, बट अपने को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्यों बोले तो अपन हेलमेट ही नहीं पहनते ना भाई, वो लिखा के क्या फ़ायदा है, वो अपने सामने रहे तो सोचते रहे ना अपन, क्या बोलना आजकल लोगों को, जान दो छोड़ो, क्या हुआ भाई गाड़ी को, क्या हुआ भैया पेट्रोल हो गया क्या, कहाँ पे पेट्रोल पंप लगाओ, खोलो मेरे को भी नहीं आता भाई,
देखेंगे, ट्राई करेंगे। आदमी है हमारा, कहाँ है? चलो हल्लो हल्लो, मेरे को नहीं आता, थोड़ा थोड़ा ढकली में आगे लो, थोड़ा इधर से ले लो, थोड़ा आगे इधर आ जाओ भाई, मेरे को भी टो करने नहीं आता भाई। पैर ऊपर कर लो, कहाँ पर है पेट्रोल पंप? यहीं पे राइट जाते हैं, चलो राइट। अरे वहाँ पे बहुत बड़ा है पेट्रोल पंप भाई, मेरे को टो करने को नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता मेरे को टोचे, थोड़ा थोड़ा आता, फिर भी मैं मेरा बेस्ट ट्राई करा, बट ऐसा कभी दिख गया कोई बोले तो भाई ज़रा मदद कर दो, बिकॉज सपन भी एक बाइकर है, कल के दिन अपनी गाड़ी को भी कुछ हो सकता है, अपनी गाड़ी भी कहीं पे बंद पड़ सकती, सो प्लीज़ अपने से जितना हो सकता है उतना मदद करो। तो पेट्रोल पंप नज़दीक है, नहीं तो मैं ट्राई करता था, इसमें से पाइप भी नहीं है, नहीं तो इसमें से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल के वो लोगों को दे देता था, बट अच्छा था, किस्मत अच्छी है वो लोगों की कि पेट्रोल पंप के नज़दीक में पेट्रोल ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे भी एक पेट्रोल पंप है, पीछे था छोटा पेट्रोल पंप, तो भैया लोग वहाँ पर चले गए, यहाँ पर भी है पेट्रोल पंप, अपने से जितना बन पड़ता भाई उतना मदद करो, अपने से अपन देख के इग्नोर नहीं करा, मेरे को करना मदद करना दिल बोला तो कर दिया मैं, अपने जितना बन पड़ता अपन करना, सो अपन आज मदद करे कल कोई और अपनी मदद करता, सो चलते रहता हो। ये अपना तेलंगाना आ गया, ये बॉर्डर क्रॉस करते कि अपना कर्नाटका लगता, ये कर्नाटका में इंटर हो रहे अपन, चलो कर्नाटका में इंटर हो गए, ये इधर कर्नाटका में आ गया अपन, अब बॉर्डर था ये वाला, बॉर्डर क्रॉस कर लिया अपन, नहीं रुका रहे अभी, पहले पुलिस वाले पहले बहुत उठा रहे थे गाड़ियों को, सिंगल सिंगल गाड़ी चेक करके भिजा रहे थे, पास के बिना नहीं भिजा रहे थे, अभी क्या है बोले तो ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हो गया, कर्नाटका टू तेलंगाना के जो बसेस थे वो बसेस भी चालू हो गए, बीदर से हैदराबाद, हैदराबाद से बीदर या बीदर के आगे जो भी विलेजेस है वहाँ के लिए अभी स्टार्ट हो गए, अभी ऐसा कुछ नहीं है अपन आधा। सो गाइस ये अपना है सेकंड ब्रेक, यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, खाली ऐसी रुका था, थोड़ा धूप सेकेंगे बोल के, गर्मी बहुत हो रही, ठंडी बहुत लग रही भाई, थोड़ा हाथों को रिलैक्स करेंगे बोल के रुका था, एक 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर अपन निकलेंगे यहाँ से। जबरदस्त दिख रहा है भाई सीनरी, जाना दिल भर रहा उधर गाड़ी लेके, बट नहीं जा सकते अपन, बहुत ख़राब है, नहीं जा सकते, खड्डा है रोड पूरा, बहुत ख़राब रोड है, बट मस्त है, इसको देख के रुकाया गाड़ी,
वेलकम टू एडवेंचर रोड। ऐसे रोड पे हमारे लोकेश भैया को, निजाम भाई को लाके छोड़ देना, ऐसी रोड़ा ढूंढते रहते। लोकेश भैया तो पहले ही ढूंढते, कई को बोले तो भाई एडवेंचर स्पोर्ट्स है उनका नहीं, पल्सर एडवेंचर स्पोर्ट्स है। कहाँ पे खाली ऑफ रोडिंग दिखते क्या, ऐसा ठहर जाते खाली, ऐसा ठहर के चलाते खाली, गिरी 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 गिरी। लोकेश भाई आते ये रोड को आएंगे, गिर गिर। ओ भगवान क्या रोड है भैया, अम्मा अरे भाई रोड को अब से नेक्स्ट टाइम से दूसरा कुछ तो उनके रास्ता देख लेना पड़ता भाई। ये रास्ते में पूरी हालत बैगन में मिल जा रही, पूरी हालत बैगन में मिल जा रही, पूरी पिंडे में मिल जा रही हालत। नेक्स्ट टाइम आए जब दूसरा रास्ता मार के आना, ये रास्ते को तो नहीं आता नेक्स्ट टाइम, नहीं आता भाई अब। बहुत बोलो तो बहुत ख़राब रोड है ये दंडम। नमस्कार भाई, ये बॉर्डर है महाराष्ट्र कर्नाटक, चेक पोस्ट था यहाँ पे बट निकाल दिए अभी। नहीं आता भाई ये रोड को दंडम, बिल्कुल भी नको भाई ये रोड। देखो ऐसा धोते कपड़े गाँव में, छोटी वाटर क्रॉसिंग करते हुए सही रहता, पानी उधर से आता इधर सोना उधर चले जाता, उधर लोगा पीने को भरो धोने को भरो फर्क नहीं है, इधर कपड़े धो रहे पता। यहाँ पे जो थोड़ा सा काम है वो काम करके अपन फिर हैदराबाद के लिए रिटर्न निकलेंगे, एक आधी घंटा काम है, आधी घंटे के बाद में फिर अपन हैदराबाद के लिए निकलेंगे। निकल गए थे भाई हैदराबाद के लिए, निकला मैं अभी, होगा मेरा काम तो बहुत कर लिया मैं, बट देखो फिर से ऑफ रोड क्रैश लगा, इतना रोड खराब हो रहा है। ये मैंने बोले ऐसी हम अपन जो सुबह में जो रोड से आए थे वो रोड से आए तो 70-80-100 किलोमीटर से रोड पूरा खराब है, यहाँ से 20 किलोमीटर ऐसा है मतलब इतना ख़राब नहीं, थोड़ा नॉर्मल है, उसके बाद में पूरा मस्त है रोड। उधर से जाओ बोल के बोले 15-20 किलोमीटर अच्छा पड़ता बोले, देखेंगे अगर वैसे रोड से जा वो रोड से जाएंगे बोल के सोचते, बट इतना ख़राब रहे तो नहीं जा सकते, नॉर्मल है बोल के बोल रहे हैं। लेट्स सी देखेंगे ऑफ रोड के मज़े ले, मज़े क्या सजा हो जा रही है मेरे को। नीचे से जाना नहीं हो रहा बोल के ऊपर चढ़ाया इधर गाड़ी,
टाइम को। ये सुकून है वो रोड से अच्छा तो ये है, जितना जाता है ये रोड उतना जाएंगे। हाँ भाई बहुत ये लग रहा भाई, पकड़ पकड़ के वेट ऐसा इसके ऊपर से चले जाना भाई। चढ़ाने को तो चढ़ा के ला लिया, वहाँ से उतारने को परेशानी हो गई। हाँ भाई सेफली लैंडेड टू धरती, फिर से ऑफ रोडिंग लग गया। सुकून से आए थे ऊपर चढ़ा के है, लेकिन अब फिर से ऑफ रोडिंग। देखो मारो फिर अब पिलियन है भाई, नहीं तो माँ की पिली सैडलिंग कर दूंगा। पिलियन है अदरवाइज अपन सैडलिंग शुरू कर देते थे। मेरी सिस्टर है साथ में एक्चुअली, सो आई कांट डू सैडलिंग। ओह माय गॉड। हाँ हाँ वही वो उधर का रोड भी खराब है बोल के इधर का रोड लिया। अब ये कितना किलोमीटर है और कितना? ये कच खराब रोड और कितना है? और 10-12 है। अम्मा कमलनगर तलक है इसी। हाँ थैंक यू भैया भाई। और 10-12 किलोमीटर ऐसी रोड है कहते। ऑलरेडी मैं 20-25 किलोमीटर आ गया भाई यही रोड से, और 10-12 किलोमीटर है बोल रहे, तो सोच लो अब क्या हालत हो जाती है अपने। और 10-12 किलोमीटर यही रोड से जाना 20-30 की स्पीड से, उसके बाद हाईवे रोड है कहते। जब खींचने को आता अब जिन्हों खींचने दे रहा ही नहीं है रोड। समाप्त, धन्यवाद। हैदराबाद 206 किलोमीटर। अरे भाई अरे भाई पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। सर जा सकते हैं? मतलब खाली फोर व्हीलर की चेकिंग चल रही है। ओनली फॉर फोर व्हीलर्स नॉट टू व्हीलर्स, तो अपन जा सकते भाई। फाइनली अच्छी रोड आ गई भाई। अब ये कहाँ तक रहती देखने को आता। हाईवे रोड अदा इदु, हाईवे रोड मेले हैंग बरबेक नीवु कैसा आना आप? ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಮ್ ನೈತೆ ಉದರ್ ರೋಡ್ ಪೆ ಹಾ नहीं भैया, अगर गाड़ी कंट्रोल नहीं करता तो क्या होता था बोलो आप? गाड़ी दूर था ना आपका, तो दूर था बोले तो भैया आप देख रहे हैं ना हाईवे रोड है। हाँ तो आपको नहीं है ब्रेक, आपको नहीं है आप? अच्छा मेरे को ब्रेक है, आपको दिमाग नहीं है? हाँ फिर क्या हुआ? अरे आओ भैया कंट्रोल नहीं करे तो आपके साथ भी लेडीज है मेरे साथ भी लेडीज है, अगर आप रुक नहीं रुक सकते क्या आप? एक मिनट दिमाग यूज करना यार, इंसान है जानवर है समझ में नहीं आता, खाना खा रहे गोबर खा रहे। हाईवे रोड है वहाँ टेरेस है, वहाँ से मेरी गाड़ी आ रही, रुका रुका वेट करके एक ही दम को अंदर आ गया हूँ सीधा सीधा। अगर मैं गाड़ी कंट्रोल नहीं करे तो दोनों भी चले जाते थे। मैं गाड़ी कंट्रोल कर लिया बोल के निकाल लिया, मैं ब्रेक सडन मारा बोल के, अगर नहीं मारे तो।
गए फाइनली घर को। बहुत ट्रैफिक था भाई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। इसके लिए ना वीडियो रिकॉर्ड करा, कुछ भी नहीं करा, बस सीधा घर को आया भाई। बहुत हालत ख़राब हो गई। अभी बाहर जाना, एक्चुअली मैं जॉब को भी नहीं गया, सो अभी मैं यहीं पे व्लॉग को क्लोज़ करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हो। बहुत अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो बाय बाय।